पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा राधे राधे, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं भाग दौड़ कर आ गई हूँ, अपना घास मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि भाभी दौड़े हुए पीछे से होली लगाने के लिए। तो अब इनका वेट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ना रास्ता तंग था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं भाग भाग कर यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे है सड़क और ये है इनके गोईटू बनाते जो हम गोबर के, तो अब वो आ रहे हैं रंग लगा कर। तो आज होली का आनंद लेते हैं, आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इनको ना बहुत मजा किया ये, और मतलब ना ये बहुत शौक रखते हैं होली खेलने का। तो चलो आज इनके साथ होली खेल लेते हैं, और काफ़ी सालों बाद मौका मिला इनके साथ होली खेलने का, फर्स्ट टाइम समझो आप। मैं कैमरा कर लेती हूँ साफ है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ऐसे मनाते हैं हम होली। तो भाभी जी ना सिंदूर लेकर आ गए हैं, और आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक भाभी और आओ भाई, चलो फटाफट ये लोई के लोणी के, तो जा के पत्थर हट देना रंग ले और तुसे। अरे यार को रंग ले यार, चलो अच्छे ऐसे भी उनमें ना केमिकल होता है, पर बोलते हैं ना जो रंग होता है वो मतलब सुहागन को ही लगता है, मतलब भाग्य जो भाग्यशाली औरतें होती है उनको ही। तो ऐसे भाभी जी ना वहाँ से भाग दौड़ कर आ गए, और इन टांगों में दर्द होता है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, दूर जाओ। इस बार ये बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं होली, ऐसे ना ये बड़े बुरे हाल करते थे, बहुत ज्यादा होली खेलते थे। हैप्पी होली, सेम टू यू, सदा सुहागन रहो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो ऐसी रही हमारी होली, और आज ना पूरा दिन नहाने का काम नहीं होगा, नहाने का काम शाम के टाइम होगा क्योंकि सब लोग आएंगे और होली तो खेलते ही रहेंगे। अब देखो देखिए बचा, बस हुई गया बे, हुई गया, हुई गया, हुई गया, हुई गया, सदा स्वागत रहो। एडी होल होनी चाहिए, मुंह जानी चाहिए। अच्छा चलेगी, वैसे मेरे बाकरे नहीं आए बनाते। नंदा जा रही ना रे, देखिए भगवान देखो बिंदु लगाते लगाते ना पूरा चेहरा लाल कर दिया, ऐसी होती है होली देखो। एक फोटो ले, सभी को हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, आज हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।
तो अभी पहुंच गई हूँ मैं घर पर, और पहले मैं नहाई लेती हूँ ना, उसके बाद बनाते हैं फिर खाना, क्योंकि रोटी नहीं बनाई आज को, अभी आग भी जलानी पड़ेगी चूल्हे में। तो जब खाते हैं ताज़ा ताज़ा तभी बनाते हैं, अब शाम के टाइम मिलेंगे आपसे, क्योंकि अभी नहाने का काम भी है और रोटी बनाने का भी, रोटी मुझे मक्के की रोटी बनानी है और सब्जी पंकज के पापा जी ने बना दिया, शायद मैंने कड़ी बोला था बनाने के लिए तो बना दी अब तीले में। तो अब शाम के टाइम मिलेंगे आपसे, क्योंकि जल्दी से नहाना पड़ेगा पहले। अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम के बज चुके हैं 4। तो जो होली रंग के कपड़े थे वो मतलब मैंने भिगोने के लिए छोड़ दिए, तो अभी मुझे वो धोने हैं। आते हुए मैंने ना बिंदु लगाया था छोटा सा, पर वो मिट गया है, और बाल भी धो दिए आज, क्योंकि आज सोमवार है तो बिंदु लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे कपड़े धोने और बाल बनाने मुझे शाम के टाइम, क्योंकि 5:30 या 6 बजे के आसपास ना हमने जाना है जात्रा को, हमारे परिवार में जात्रा है तो वहाँ देवता आएंगे, आजकल देवते की जात्रा लगी हुई है तो वहाँ पे जाएंगे। बाल ना तभी बनाएंगे, ऐसे अभी नहीं बनाऊंगी मैं, और फिर चलते चलते बनाएंगे बाल। अगर मैंने अभी बना दिए तो मुझे ढेरों सारे काम करने हैं, तो बाल ना फिर बिखर जाते हैं। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप सभी के घर में सुख शांति लाए और खुशियाँ आपके घर में खुशियाँ बरकरार रहे। इसी के साथ आज का यही ब्लॉग था, छोटा सा, आज 8-10 मिनट का नहीं, आज छोटा सा ब्लॉग है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आज हमें ना सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मतलब कई सालों के बाद हमने इस तरह की होली बनाई है। ऐसे पहले बनाते थे मतलब बहुत साल पहले, क्योंकि 21 साल हमारे शादी को हो जाएंगे जून महीने में, तो 1-2 साल बनाई थी आज फर्स्ट टाइम में। उसके बाद फिर होली नहीं बनाई थी, क्योंकि अपने अपने काम में लोग सभी बिजी हो गए थे। तो आज मतलब कई सालों के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला कि हमने खूब इंजॉय किया, और बहुत सारा इंजॉय किया हमने, पर हम अपने यूट्यूब चैनल पे उसके नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो हमने ढेर सारा इंजॉय किया है। तो इसी के साथ हैप्पी होली, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।